आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 31/1/2022 क्रमांक संख्या है 12। आज की कार्यपत्रिका कक्षा नर्सरी के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। अगर बच्चों आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो घर में किसी बड़े की सहायता ले लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों बिना समय गंवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दिया गया वर्कशीट में देख लेते हैं। वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर, भाग संख्या 1। बच्चों आज हम पानी में रहने वाले जानवरों वाटर एनिमल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए भाग संख्या 1 में आपको वाटर एनिमल्स के बारे में, चलिए देखते हैं क्या है जानकारी। ये है मछली, फिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्सेस और स्टारफिश। यहाँ पे केकड़ा, क्रैब, डॉल्फिन, कछुआ, टॉर्टोइस एंड शार्क। तो पानी में रहने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं? मछली, ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, स्टारफिश, केकड़ा, डॉल्फिन, कछुआ और शार्क। ये सब वाटर एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? भाग संख्या 2। अब नीचे दिए गए जानवरों के चित्रों और उनके आधे भाग को आपस में मिलाएं। यहाँ पे आपको देखो जानवरों के चित्र दिए गए हैं, उनके आधे भाग को आपस में मिलाना है, आपको मैच करना है। बच्चों चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। ये है कछुआ, टॉर्टोइस, तो उसका ये रहा आधा हिस्सा, और ये देखिए ये शार्क है तो ये इसका, और ये सी हॉर्स है, सी हॉर्स का ये, ये क्रैब है, केकड़ा, और ये स्टारफिश, तो उसका स्टारफिश का ये आधा हिस्सा। इस तरह से आपको मिला लेना है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भाग संख्या 3। चलिए अब थंब प्रिंटिंग की सहायता से मछलियाँ बनाएं। देखिए मैंने ऐसे बनाई है थंब प्रिंटिंग। बच्चों थंब अपने अंगूठे को कलर में डीप करके इस तरह से अंगूठे का निशान लगाना है, फिर फिश की टेल, इसके पंख, इस तरह से आपको बनाना है। देखिए मैंने ऐसा बनाया है, आप भी बनाइएगा थंब प्रिंटिंग का यूज करके। चलिए आगे देखते क्या दिया गया है। नोट, माता पिता कार्य करने में बच्चों की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि पानी में रहने वाले जानवरों के नाम याद करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है बच्चों, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।